हाय गाइस मेरा बाबू बोलो कुछ खाना खाए। सो गाइस अभी शिवार सो रहा है इसलिए मैं इसको लेके बाहर आ गई हूँ। ये जाग रहा था तो उसको भी चिल्ला चिल्ला के जगा देता। तो मैं लाडो रामार से भी बाहर है, संडे है तो महादेव की भी छुट्टी है, वो अंदर पढ़ाई करे, उसका एग्जाम होने वाला है तो अभी टाइम हो रहा है। लाओ मैं खाना भी बना रही हूँ, सब्जी और दाल मैंने रख दिया है बनने के लिए। इन लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है, रामार को मैं दिखाती हूँ कैसे दूध पी रहा है। जाएगा मुँह में नहीं, बस पी रहे हैं। मम्मी मैं अभी भी दोना। अरे मेरी बेटी है। हाय ये मेरा बेटा है। ला ए लल्ला, ये क्या ये क्या किए क्या किए लल्ला? अरे यार क्या कर दिए आप, पूरा स्टैंड गिरा के। अभी बज रहे हैं 3 और ये सो के उठा है और तब से ये बार बार देख रहा है और हंस रहा है, शायद पहचान रहा है कि मेरे मम्मी पापा हैं। शिवार्थ यहाँ पे सोया है और मैंने सारे कपड़े बाहर डाल दिए हैं क्योंकि धूप नहीं हो रही थी, बारिश का मौसम था, अभी हल्की सुई है तो मैंने डाल दिए हैं कि सूख जाएंगे। स्टैंड पूरा बाहर लेके आ गई हूँ मैं और बहुत सारे कपड़े मैंने बाहर तार पे भी फैलाए हैं कि बहुत ज़्यादा कपड़े आज हो गए थे। देख रहे हो आप कितने कपड़े हैं, इधर देखिए पूरा एकदम भरा हुआ है कपड़ों से ही, धूप है तो सूख भी जाएगा। सभी बज रहे हैं 4 लेकिन मौसम देख के ऐसा लग रहा है कि काफ़ी शाम हो गई है और बारिश भी हुई थी दोपहर में। और ये पहले इनको आप देख लीजिए, देखिए कैसे हंस रहे हैं। लल्ला अरे बप्पा रे कहाँ हुआ भाई, कैसा बैठ गए? तो मैं जा रही हूँ इनकी मालिश करने, रामार्थ की मालिश मैंने कर दी है और बहुत रो रहा था वो, फिर भी मैंने कर दी मालिश क्योंकि रह जाता फिर वो सोने के लिए रो रहा था तो मालिश करके मैंने उसको सुला दिया है। अब इनकी बारी है, देखती हूँ ये सोते हैं कि जागते हैं, पहले मालिश कर दूँ इनकी। शाम को भी मैं 2 बार कम से कम मालिश करती हूँ तो अभी तो पहली बार करने जा रही हूँ। ये देखिए बादल कितने काले काले हो रहे हैं, बिल्कुल लग रहा है कि फिर से बारिश होगी। और अभी टाइम हो रहा है 5 बजे का लेकिन देख रहे हो कितना जैसे लग रहा है कि अंधेरा होने वाला है, ऐसा लग रहा है देख के मौसम, और बादल तो पूरे बिल्कुल काले काले हो रखे हैं। आज बारिश लग रहा है होगी अच्छी खासी। आधा से ज़्यादा कपड़े सूख चुके हैं तो मैंने सारे मोड़ दिए हैं और कुछ बचे हुए हैं तो मैं उनको मैंने स्टैंड में ही छोड़ दिया है ताकि सूख जाए। मैं दिखा दे रही हूँ आपको इतने कपड़े बचे हैं, बाकी तो सारे सूख गए हैं तो इनका मैं तह लगा के अब जाऊँगी रख दूँगी। और धूप में अगर बाहर नहीं निकालती स्टैंड तो शायद आज भी कपड़े सूख नहीं पाते हैं।
सो फ्रेंड्स, अब मैं भी जा रही हूँ सोने, क्योंकि रात हो गई है काफ़ी, बच्चे सो गए हैं। और मिलूंगी मैं आपसे कल एक नए वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल जिस ट्वेल्थ पे भी मोमिन वरान से। तब तक के लिए फ्रेंड्स, हर हर महादेव।